नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। जैसा कि सभी बच्चे कह रहे थे कि सर थ्योरी की कई क्लासें हो गई हैं, एक बार इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, आपके कहने पर ही आपको पढ़ाया जाएगा। बच्चों ने बताया कि सर थ्योरी की कई क्लासें हो गई हैं, आधी इकोनॉमिक्स शायद थ्योरी की क्लास पूरी हो चुकी है, आधी है ना, जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसका लगभग हाफ पोर्शन जो थ्योरी का है वो पूरा हो गया है, अब आधी बची है। तो पहले बच्चों ने कहा कि सर कुछ क्वेश्चन करा दीजिए, तो हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं। अगर इकोनॉमिक्स के आप ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, आज आप सीख लोगे तो आपको पीसीएस लेवल तक इसमें से क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। नो डाउट बहुत बेहतरीन काम होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस आप बराबर क्लास को देखते रहिएगा, जिससे और हम कह रहे हैं एक दो बार और देखिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक ही बार देख लीजिए, बार बार आप वीडियो को देखिए, जिससे आपके जो क्वेश्चन है वो मजबूत हो जाए। और अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिखाई दें तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि अरे यार ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है पहले से, है ना, ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है। और ऐसे क्वेश्चन जो आपको क्लास में कराए जाए और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए, तो इससे बेहतर फिर क्या है? बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको पहले भी बताया कि लोकसभा चुनाव होने के बाद एग्जाम तेजी से स्पीड पकड़ेगी। जो भी को पेपर आपने डाले हैं, जो भी फॉर्म डाले हैं, वो तेजी से आपको देखने को मिलेंगे, बैक टू बैक। कुछ बच्चे तो ऐसा बता रहे हैं कि सर हमारे 4 पेपर हैं, 5 पेपर हैं, बैक टू बैक 4 या 5 पेपर हैं, तो किसी एक में आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है? नौकरी तो एक ही करोगे, एक ही तो सर्विस कर पाओगे, 2 मिले 4 में, बस ये होता है कि उसमें से जो सबसे बेहतर होगी उसको किया जाएगा ना, उसको पकड़ेंगे आप। जी बिल्कुल है। तो क्या क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए? बोलो भाई, आवाज आ रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहले क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, उसके बाद क्या, उसके बाद फिर हम आपसे पूछेंगे और आप आंसर बताइएगा, ठीक? तो शुरू किया जाए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो भाई क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय, जिसे बोलते हैं एजीआर, की परिभाषा के अंतर्गत आता है या आते हैं? बहुत बढ़िया, बोलो भाई जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय एजीआर की परिभाषा के अंतर्गत आता है या आते हैं? पहला ऑप्शन है ब्याज आय, लाभांश जिसे बोलते हैं डिविडेंड, विदेशी मुद्रा लाभ। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मतलब कहने का यह है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपने सोचा होगा सर पहला ही क्वेश्चन कूट का डाल दिए, तो कूट के क्वेश्चन आपको देखने को समीक्षा अधिकारी और पीसीएस में मिलते हैं, जबकि वनडे एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो वन लाइनर होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स से। तो ये आपके लेवल का अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो है ये पीसीएस लेवल या समीक्षा अधिकारी लेवल का एक क्वेश्चन है, ठीक है, समीक्षा अधिकारी लेवल का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। बोलो भाई, बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय की परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो मैं बताऊं, ब्याज आय भी इसमें आती है, लाभांश भी आता है, विदेशी मुद्रा लाभ फॉरेक्स गेन भी आता है। तो इसका आंसर जो होगा कि जिसमें 1 2 3 तीनों सही हो, क्या बताएंगे, 1 2 3 जो ऑप्शन का है वो आपका आंसर होगा। तो इसका जो नंबर है वो आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था है, बहुत बढ़िया, भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था, बताओ भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या? कुछ बच्चे बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब बच्चे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, अगर बात करें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और कौन सी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दोनों आती हैं।
समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों मिलकर कौन सी अर्थव्यवस्था को जन्म देती हैं? तो आप बताओगे सर, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मिलके कैसी अर्थव्यवस्था बनाती हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाती हैं। तो आपसे पूछे भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। बोलो भाई, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ भाई, आई बात समझ में कि नहीं? जी बिल्कुल आई। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल घरेलू उत्पाद का अंतर बराबर होता है। सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल घरेलू उत्पाद का अंतर क्या होता है? तो आप बताओगे विदेशी से प्राप्त शुद्ध संपत्ति या आय को बोला जाता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न कारणों से कौन सा कारण भारत के प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, निम्न कारणों में से कौन सा कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है? मतलब कहने का यह है कि भारत देश में जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ तो रही है, लेकिन इतनी धीरे क्यों बढ़ रही है, इतनी धीरे क्यों बढ़ रही है? तेजी से बढ़नी चाहिए, जैसे अमेरिका की है, जापान की है, चीन की है, ये सब तेजी से बढ़ती हैं। तो अपने यहां की बढ़ तो रही है लेकिन धीमी गति से बढ़ रही है, मुख्य रीजन इसका बताओ क्या होगा? तो फिर एक कूट में क्वेश्चन आ गया। पहला दिया हुआ है जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, बिल्कुल सही, अगर जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होगी तो बेरोजगारी फैलेगी। दूसरा है मूल्यों में भारी बढ़त, यह भी सही है, मूल्यों में भारी बढ़त। कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति, यह भी सही है। ये तीन कारण तो हो गए। चौथा है विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता, माने विदेशी कंपनियां यहां पर कम आती हैं, जिस कारण से जब रोजगार नहीं मिलेगा तो प्रति व्यक्ति आय में क्या होगी, कमी आएगी। ठीक है, तो इसके लिए अच्छा प्रति व्यक्ति विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता, ये इसका ऑप्शन नहीं, इसके तीन ऑप्शन सबसे बेस्ट हैं, इसलिए याद रखोगे एक दो एवं तीन। आंसर क्या होगा, एक दो एवं तीन इसका मुख्य विषय रहा है। रुको भाई, इसको एक बार और ध्यान से पढ़ा जाए। निम्न कारणों से कौन कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा, यह भी सही होगा आपका, उपर्युक्त तो सभी होगा, क्या होगा, उपर्युक्त तो सभी, डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है भैया, इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, चौथा ऑप्शन इसका आंसर होगा, उपर्युक्त तो सभी कारण ऐसे हैं जिससे प्रति व्यक्ति आय में धीमी गति से बढ़ोतरी हो रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित चार मुख्य क्षेत्रों से बचत का उदय, भारत में निम्नलिखित चार प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है। अब दिया है नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपर्युक्त क्षेत्रों के योगदान का सही अवरोही क्रम इंगित करिए। उपर्युक्त क्वेश्चन में दिए गए और उपयोग करके आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, बताओ भाई। चार विकल्प दिए हुए हैं, तो भारत में निम्नलिखित चार प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है, तो सबसे पहले तो आपका गृहस्थ आना चाहिए, क्या होना चाहिए, गृहस्थ। ठीक है, पहले पॉइंट पे तो आपका गृहस्थ आएगा, गृहस्थ माने घर, गृहस्थ जीवन, सुने हो कि नहीं, गृहस्थ हो जाएगा। दूसरा निजी निगम क्षेत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निजी निगम क्षेत्र हो जाएगा, निगम क्षेत्र हो जाएगा। तीसरा सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम, और चौथा हो जाएगा सरकार। तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, एक दो तीन चार, ये चारों क्रम से लगे हुए हैं, कौन, एक दो तीन चार, ये आपके क्रम से लगे हुए हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन क्या है, कथन और कारण बहुत आता है पीसीएस और समीक्षा अधिकारी में, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन क्या है,
आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। ये हो गया कथन। अब क्या है कारण? वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अब बताओ भाई इसका आंसर क्या देंगे आप? तो आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, ये तो बिल्कुल सही कथन है, लेकिन वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है ना, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होना चाहिए ए सही आर गलत नहीं। जो ऑप्शन आपको मिले ए और आर दोनों सही, किंतु आर एक ही गलत है। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है बिल्कुल। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चे? सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ए माने कथन तो सही है लेकिन इसका कारण क्या है? यह गलत है, इसका कारण गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और निष्कर्ष। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत वर्ष में विनिवेश अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया एक समाहित अंग है। यह आपका हो गया कथन। कारण क्या है? रीजन पे देखते हैं, इससे प्राप्त आय को राज्य द्वारा घोषित नीति के अनुसार उपयोग में लाया जा रहा है। इससे प्राप्त आय को राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार उपयोग में लाया जा रहा है। एक बार आप भी पढ़े क्वेश्चन, उसके बाद आंसर करें। भारतवर्ष में विनिवेश अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है, बिल्कुल सही है। इससे प्राप्त आय को राज्य द्वारा घोषित नीति के अनुसार उपयोग में लाया जा रहा है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन कौन सा होगा? वी ऑप्शन होगा। क्या होगा भैया इसमें? ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। भारत की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा? जल्दी बताओ भाई, कैसा क्वेश्चन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में पढ़ाया था, ये हमने आपको थ्योरी की क्लास में पढ़ाया था। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है योजना आयोग द्वारा। अच्छा थोड़ा सा समझो, अगर आपसे पेपर में पूछे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, पुराना क्वेश्चन हो गया, देख लो, योजना आयोग की स्थापना पूछे तो आप कहोगे सर 15 मार्च, कब? 15 मार्च 1950 को हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे तो आप कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग के स्थान पे अब क्या लाया गया, तो योजना आयोग के स्थान पर है ना 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लागू किया गया था। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। क्योंकि आप जानते हो, योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, इसका पदेन अध्यक्ष जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की जब स्थापना हुई थी तो उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। जबकि नीति आयोग की जब स्थापना हुई, योजना आयोग के स्थान पर लाया गया, तो उस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, और नीति आयोग हो या योजना आयोग हो, पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, योजना आयोग द्वारा की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। जबकि आपसे पूछा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, क्या इसके द्वारा होता? तो इसका बच्चे आंसर हम पहले आपको बता दें, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है। अगर आपसे पूछे, इसको बोलते हैं सीएसओ, क्या बोलते हैं? सीएसओ बोलते हैं। अगर पूछे सीएसओ की स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे पूछे सीएसओ की स्थापना कब हुई थी, तो आप लिख लेना 1949 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं
आरबीआई, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमने आपको बताया था जिसमें ऑफ इंडिया लगा हो उस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई होगा। जैसे आपसे पूछे आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपसे पूछे एसबीआई का मुख्यालय कहां है, एसबीआई का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो भी आंसर क्या होगा, मुंबई होगा। जिसमें बैंक ऑफ इंडिया लास्ट में आए समझ लो हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई में है। बात समझ पाए कि नहीं, ठीक है। अब पेपर में आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आप लिख लेना 1 अप्रैल माने 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और पूछे आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो मुंबई सेलसेट द्वीप पर स्थित है। आपसे पूछे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आपसे पूछे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप कहोगे 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बोलो इतनी बात समझ में आई, एक क्वेश्चन से आपको हमने 10-12 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, आकलन करे या प्राकलन करे, केवल शब्दों का हेर फेर किया है, आंसर जवाब में वही होगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, तो आप कहोगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किस द्वारा, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है, फिर वही क्वेश्चन देखो भैया, फिर आ गया। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है सीएसओ द्वारा, एनएसएसओ द्वारा, योजना आयोग द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बताओ भाई जल्दी बोलो, बोलो जल्दी आंसर करो सभी लोग। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर आएगा सीएसओ के द्वारा। किसके द्वारा, वही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। बोलो भाई कोई दिक्कत, बताओ जल्दी कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, फिर से एक बार वही क्वेश्चन, आंसर आएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन नियमित रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन नियमित रूप से किसके द्वारा किया जाता है, बताओ भाई। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन नियमित रूप से किसके द्वारा किया जाता है, योजना आयोग के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा, जल्दी बताओ भाई, बोलो भाई। आंसर इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। एक क्वेश्चन है आपसे, जल्दी से आप लोग बताइए, आर बी आई का प्रथम गवर्नर गवर्नर कौन था, प्रथम गवर्नर कौन था, एक क्वेश्चन ये है कौन था, ठीक। पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा है आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, जल्दी बोलो भाई। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, बोलिए भाई आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था और आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, ये क्वेश्चन है,
प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? देखो अंतर है दोनों क्वेश्चन में। अगर पूछे आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था तो आप कहोगे ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। आपने नाम सुना होगा ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ का नाम आपने सुना होगा क्योंकि ये अंग्रेज थे। और आपसे पूछा है आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल को गवर्नर कौन था तो आप कहोगे सीडी देशमुख। क्या कहोगे? सीडी देशमुख। ये प्रथम भारतीय गवर्नर थे। किसके? आरबीआई के। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है बताओ भाई? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर, वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है बताओ भाई? गवर्नर कौन है? नाम आपने सुना होगा। कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये तीन क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा की, पंजाब की, महाराष्ट्र की या गुजरात की? बोलो भाई, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आंसर आएगा गोवा। क्या बताओगे? गोवा। अगर हम आपसे पूछे गोवा की राजधानी क्या है तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी क्या है भैया? गोवा की राजधानी पणजी है। पेपर में आपसे पूछा जाता है पणजी किस नदी के किनारे है? गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है? तो आप कहोगे सर पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे है। किसके किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। गोवा में कितने जिले हैं? तो गोवा में दो जिले हैं। गोवा में कितने जिले हैं? तो गोवा में दो जिले हैं, एक है उत्तरी गोवा और दूसरा है दक्षिणी गोवा। आपसे पूछे पंजाब की राजधानी, सभी बच्चे को पता है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ठीक है। ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये सब आप जानते हो। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कहां है? गोवा की है। बोलो भाई, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के मामले में महाराष्ट्र किस नंबर पे आता है? क्षेत्रफल में महाराष्ट्र किस नंबर पे आता है? तो पहले पे आता है आपका राजस्थान, दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, ध्यान देना, किस राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम आय आंकी गई है? माने उत्तर भारत देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति वार्षिक आय सबसे कम दिखाई दी है या न्यूनतम प्रति व्यक्ति वार्षिक आय किस राज्य की है? भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय सबसे कम किस राज्य की है? तो सभी लोग जानते हो बिहार की है। किसकी है? बिहार की है ना, किसकी? बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। पटना पूछा जाता है किस नदी के किनारे है? तो पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे। किसके? गंगा नदी के किनारे पटना है। अगर पूछे पटना का पुराना नाम क्या था, पटना का पुराना नाम आपसे पूछे क्या था, तो आप कहोगे पाटलपुत्र नगर। क्या बताओगे? पाटलपुत्र। पाटलपुत्र नगर के नाम से जाना जाता था। पेपर में पूछता है पाटलपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो आप कहोगे उदयन ने किया था। किसने किया था? पटना या पाटलपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। उड़ीसा की राजधानी सब लोग जानते हो भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर है। उत्तर प्रदेश सभी को पता है, बच्चा बच्चा को, लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो आप कहोगे गोमती नदी के किनारे। किसके किनारे है? गोमती नदी। गोमती नदी कहां से निकलती है, तो आप कहोगे पीलीभीत में एक झील पड़ती है,
पीलीभीत में एक झील पड़ती है जिसका नाम क्या है, फुलहर झील। फुलहर झील से निकलती है गोमती नगर। गोमती नगर की लगभग लंबाई कितनी है, तो गोमती नगर की लगभग लंबाई 970 किलोमीटर बताया जाता है। कितना, 970 किलोमीटर गोमती नदी को बताया जाता है। और गोमती नदी उत्तर प्रदेश में मैदानी भागों से निकलने वाली एकमात्र नदी है। पेपर में आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है, तो उत्तर प्रदेश से एकमात्र मैदानी भागों से निकलने वाली जो नदी है उसका नाम है गोमती नगर, गोमती नदी। आप ये भी जानते हो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। आप जानते हो भारत में जितना सोयाबीन पैदा होता है, टोटल सोयाबीन का लगभग 60% सोयाबीन, कितना, टोटल सोयाबीन का लगभग 60% सोयाबीन मध्य प्रदेश में पैदा होता है। इस कारण से मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि भारत देश के कौन से राज्य को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। बोलो भाई, अगर आपसे पूछे कि टाइगर ऑफ स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो टाइगर ऑफ स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर अगर किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश है। बोलो भाई, इतने में कोई दिक्कत नहीं। और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। एक क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार द्वारा मार्च 2011 में प्रसारित विज्ञप्ति के अनुसार किस राज्य या संघीय क्षेत्र की प्राप्ति व्यक्ति आय 2009-10 के दौरान सर्वाधिक थी। बोलो भाई, अभी तो पढ़ के आए हो इस क्वेश्चन को, चाहे 11 बोले या 12 बोले। बोलो भाई, अभी तो आपने पढ़ा है कि किस व्यक्ति की, कौन से राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, तो आप कहोगे गोवा। क्या बोलोगे, गोवा बोलोगे, ठीक है। चंडीगढ़ आप जानते हो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। क्या है, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, और यह एक यूटी माने केंद्र शासित राज्य भी है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत के निम्न राज्यों में किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, भारत के निम्न राज्यों में किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो जिसकी वार्षिक प्रति व्यक्ति आय कम है उसी की बाद में भी होगी प्रति व्यक्ति, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो बिहार होगा। क्या होगा, बिहार होगा। बोलो भाई, बोलो। अच्छा, बिहार में एक जगह पड़ता है सासाराम। क्या पड़ता है, सासाराम। ये सासाराम बहुत हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, मिडवल हिस्ट्री से बहुत पूछा जाता है कि सासाराम के बारे में। तो आप जानते हो शेर शाह सूरी की क्या है, शेर शाह सूरी की, सूरी की कब्र बनी हुई है, सूरी की कब्र स्थित है, ठीक है। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी की कब्र कहाँ है, आंसर आता है सासाराम बिहार में। बोलो भाई, अच्छा, पश्चिम बंगाल की राजधानी तो सभी लोग जानते हो कोलकाता है। अब पेपर में आपसे पूछा जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। किसके, हुगली नदी के किनारे स्थित है। पेपर में आपसे पूछे कि भारत की कौन सी नदी पे, है ना, भारत की कौन सी नदी में सबसे ज्यादा जूट धोया जाता है, तो जूट धोने का काम सबसे ज्यादा कहाँ होता है, हुगली नदी में होता है। और एक चीज ध्यान रखो कि भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है आपका पश्चिम बंगाल। बोलो भाई, अभी तक आप पढ़ते थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करने वाला देश कौन सा था, तो अपना पड़ोसी देश, अपना दोस्त बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है आपका कौन सा देश, अपना भारत देश। बांग्लादेश दूसरे नंबर पर पहुंच गया। बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन,
ये थ्योरी में हमने पढ़ा रखा है आपको, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति उत्पाद? बताओ भाई सबसे अच्छा आकलन किस प्रकार किया जाता है? तो आप कहोगे प्रति व्यक्ति उत्पाद। क्या होगा? प्रति व्यक्ति उत्पाद देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप मानी जाती है। आगे बात करते हैं, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस संबंधि दर से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बताओ भाई हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, जनसंख्या से? तो जनसंख्या तो कोई इसमें मतलब ही नहीं है। खाद्यान्न से, प्रति व्यक्ति आय से, माने जीडीपी, पॉपुलेशन, फूड गेन्स, पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम बोलो भाई, क्या बोलोगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जनसंख्या, खाद्यान्न, प्रति व्यक्ति आय। तो आंसर आएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी, ग्रास डेवलपमेंट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, जीडीपी को, ठीक है, ग्रास डेवलपमेंट प्रोडक्ट बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में हिंदू संवर्धि दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जनसंख्या से, जन्म दर से, प्रति व्यक्ति आय से या राष्ट्रीय आय से? जल्दी बताओ भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है बस। देखो जो जनसंख्या में हिंदू शब्द लगा ना, हिंदू संबंधी दर, तो आप तुरंत जनसंख्या की तरफ दौड़ोगे, जबकि इससे कोई मतलब नहीं है और ना जन्म दर से मतलब है, ये आय और व्यय से संबंधित है। तो पूछा गया भारत में हिंदू संबंधी दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप कहोगे नेशनल इनकम से, माने राष्ट्रीय आय से। किससे मिलेगा आपको? राष्ट्रीय आय से इसका संबंध बताया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक क्षेत्र बजट में सर्वाधिक योगदान करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में, निर्यात क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में, निजी कारपोरेट क्षेत्र में? बोलो भाई, जल्दी बोलो, सभी लोग बोलो। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन एक क्षेत्र बजट में सर्वाधिक योगदान करता है? तो आप कहोगे घरेलू क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है। कौन सा? घरेलू क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है, घरेलू क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत को राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था, माने भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसके द्वारा किया गया था? बताओ भाई, जल्दी बताओ, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार यह पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसके द्वारा किया गया था? विलियम डिगबई द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा, एम जी राणा डी द्वारा या वी के आर वी राव द्वारा? बताओ भाई, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था? बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो भाई। किसी का आंसर आया? तो आप कहोगे उसी को कहा जाएगा जो भारत का वह वृद्ध व्यक्ति कहलाता है जिसका नाम दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक निकाली थी, बुक का नाम ध्यान रखो, ठीक है, एक बुक निकाली थी, वो पेपर में बहुत पूछी जाती है, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल
इन इंडिया, ठीक है। ये पुस्तक थी और इसी पुस्तक में इन्होंने बताया था कि जो भारत की प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए वो कितनी निकाली थी, 20 रुपए निकाली थी, ठीक है। कब की बात है, 1867 ईस्वी की बात है। आज 20 रुपए में पानी भी नहीं मिलेगा, एक बोतल शुद्ध, है ना। अच्छा पानी लेना है तो 50 रुपए खर्च करो, क्या बोलते हो। तो भारत को राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसके द्वारा किया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र हिस्सा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र हिस्सा रहा है। निरंतर कम होता रहा है, निरंतर बढ़ता रहा है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, पहले कम होकर फिर बढ़ा है, क्या बताओ भाई। भारत आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कैसी रही है, जल्दी बताओ भाई, बोलो भाई क्या आंसर होगा इसका, बताओ जल्दी से। तो आपको पता है कि पहले हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र बहुत तेजी से, लेकिन अब लोगों ने कृषि क्षेत्र को थोड़ा सा कम किया और किस ओर बढ़ रहे हैं, आप जानते हो आजकल कारखाने का युग है, आज मैकेनिकल का युग है, आज कंप्यूटर का जमाना है। कृषि में करोगे तो कितना पैदा कर पाओगे ये लोग देखते हैं। तो पहले बढ़ा, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इसमें कमी आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ भाई, आंसर इसका होगा सी नंबर, पहले बढ़ा फिर कम हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न चार देशों की अर्थव्यवस्था में किस एक की मार्केट कैप परिमाण उसके जीडीपी से अधिक है, बोलो भाई जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। निम्न चार देशों की अर्थव्यवस्था में से किस एक की मार्केट कैप का परिमाण उसके जीडीपी से अधिक होता है, यूएसए का, भारत का, जापान का या चीन का। तो आंसर क्या आएगा, यूएसए आएगा, क्या आंसर होगा, यूएसए। अगर हम बात करें यूएसए की राजधानी क्या है, जल्दी बताओ भाई, यूएसए की राजधानी क्या है, तो आप कहते हो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। डीसी का मतलब हमने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। पेपर में कई बार पूछा गया वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, बताओ भाई जल्दी बताओ, वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, तो आप कहोगे पोटो मेक नदी के किनारे है। किसके, पोटोमेक नदी के किनारे है। पोटोमेक नदी के किनारे स्थित कौन है, तो आप कहोगे वाशिंगटन डीसी है। आपसे पूछे चीन की राजधानी, तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है। अगर पूछे भारत की राजधानी, सबको पता है नई दिल्ली है, भारत की राजधानी कौन सी है, नई दिल्ली है। जापान की राजधानी क्या है, बताओ भाई, जापान की राजधानी, तो जापान की राजधानी टोकियो है, क्या है, जापान की राजधानी टोकियो है। अगर पूछे जापान की संसद का नाम बताओ जल्दी से, जापान की संसद का नाम, तो आप कहोगे डायट है, और भारत की संसद का नाम संसद है, ठीक है। अगर पूछे यूएसए की संसद का क्या नाम है, तो आप कहोगे पार्लियामेंट है। चीन की संसद का क्या नाम है, बताओ, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स पीपुल्स कांग्रेस है। यूएसए की अगर मुद्रा की बात किया जाए, तो आप कहोगे सर डॉलर है। चीन की मुद्रा की बात की जाएगी, तो रेनमिनबी है। भारत की मुद्रा रुपया है, जापान की मुद्रा एन है। इतनी बात तो समझ में आई होगी, बोलो भाई आई कि नहीं, जी बिल्कुल आई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न कारण से जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं, ठीक है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं जीएनपी को। निम्न कारण से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है, मजदूरी की तुलना में कीमतें कम है, मजदूरी की तुलना में कीमतें कम है, पहला ऑप्शन।
कीमत की तुलना में लाभ कम है, दूसरा ऑप्शन। कीमत की तुलना में लाभ कम है, तीसरा ऑप्शन। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, बताओ भाई। जितनी कीमत होनी चाहिए, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, ठीक है। मजदूरी का आप समझ रहे हो क्या आलम है, समझ ही रहे हो, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, ये ऑप्शन इसका सबसे सही बैठता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्र की संपदा में निम्न निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? खान को, बांध को, पशुधन को, मुद्रा पूर्ति को, बोलो भाई जल्दी बताओ, बोलो भाई क्या बोलते हो। राष्ट्र की संपदा में, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? खान को, बांध को, मुद्रा पूर्ति को, पशुधन को। तो देखो, खान को शामिल किया जाता है, खान से आप जानते हो बहुत सारा रॉ मटेरियल निकलता है। बांध से आप जानते हो, बांध बनाओगे तो कई नहरें निकलेंगी, जब नहरें निकलेंगी तो उससे कई सिंचाई, कई स्थानों पर सिंचाई होगी, जिससे संपदा में वृद्धि होगी, तो यह भी सही है। और पूछा गया है पशुधन, आप जानते हो पशुधन से हमें दूध प्राप्त होता है, गोबर प्राप्त होती है, वगैरह वगैरह, इसलिए संपदा है। जबकि मुद्रा पूर्ति क्या है, ये कोई संपदा में विकसित या संपदा में शामिल नहीं होती है। तो आंसर इसका क्या होगा बच्चे, इसका आंसर जो होगा वो होगा मुद्रा पूर्ति। क्या होगी? मुद्रा पूर्ति। तो ये आपके आज के 25 क्वेश्चन थे, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिले, और आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर भी ठीक ठाक दिया होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कूट वाले थे, कथन कारण वाले थे, वो थोड़ा टफ थे, ठीक है, लेकिन इतने टफ नहीं थे कि आप कर ना पाओ। इसलिए आप बेहतरीन तरीके से इसको 2-3 बार देखिएगा, जिससे आपके 25 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपके लिए तैयार हो जाएं। और फिर इसके बाद जो अगली क्लास होगी, इसकी जो क्लास होगी, इसकी जो क्लास होगी वो आपको फिर देखने को मिलेगी अगले क्वेश्चन से, 26 नंबर क्वेश्चन से आपको फिर से पढ़ाया जाएगा। हमने बताया कि इसमें 150 क्वेश्चन हमने बनाया है बहुत बेहतरीन तरीके से, तो वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें कल होंगी। जय हिंद साथियों।